झांसा देकर लूटपाट करने की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हर दूसरे दिन होती दिख जाती हैं। अब मालवीय नगर थाना पुलिस ने एक महिला और उसके दो साथियों को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला रात के वक्त सड़क पर शिकार की तलाश में घूमती और जैसे ही उसे कोई अकेला शख्स नजर आता वो उसे कहानी सुनाती कि उसका एक रिश्तेदार घायल हालत में पड़ा है, अगर सामने वाला मदद को तैयार हो जाता तो वो महिला उसे लेकर उस जगह जाती। अब जहां वो महिला लेकर जाती थी वहां पर पहले से ही उसके साथी मौजूद रहते थे और मौका देखते ही लूट को अंजाम दे देते। साउथ दिल्ली के DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 11 जून को मालवीय नगर थाने में रोहित तनेजा नाम का शख्स पहुंचा था। शिकायत में बताया गया था कि 12 जून की रात करीब 1 बजे वो मालवीय नगर में खाना खाने के बाद घर वापस जा रहा था। जब वो साकेत कोर्ट के पास पहुंचा तभी एक महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। रुकने पर उस महिला ने कहा कि उसका एक दोस्त घायल हालत में पास में पड़ा हुआ है। महिला की बात मानकर रोहित उसकी मदद करने के इरादे से साथ चला गया, लेकिन जैसे ही वो महिला की बताई जगह पर गया वहां महिला के दो साथी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने उसे लूटने का काम किया। 10,000 कैश, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल लूटा गया और फिर सभी आरोपी ऑटो में बैठ फरार हो गए। रोहित की शिकायत पर मालवीय नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और दक्षिणी दिल्ली हौज खास के ACP लक्ष्य पांडे ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अपने मार्गदर्शन में जांच के लिए सतीश राणा SHO मालवीय नगर, ASI संदीप, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल सरिता की एक टीम बनाई। पुलिस ने सबसे पहले इलाके की CCTV फुटेज खंगाली और फिर ऑटो के नंबर से ट्रैक कर संगम विहार इलाके से महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ में आए आरोपियों के नाम चंदन, वर्षा और रोहित हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट में इस्तेमाल ऑटो और कैश बरामद कर लिया है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि इन तीनों ने अब तक कितनों के साथ इसी तरह से लूटपाट की है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।